पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो ने वफाकी वजीर फवाद चौधरी के हलवा मार्च के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि फवाद चौधरी गीदड़ भपकियां ना दें, हमारे सीने खुले हैं, हिम्मत है तो गोली चलाकर दिखाएं। ये फवाद चौधरी को पता है कि इमरान खान मुशर्रफ का चमचा है, मुशर्रफ के साथ चलने की उसको पुरानी आदत है, गैर आइनी गैर जमहूरी हुकूमतों का साथ देता हुआ इमरान खान वही तकलीद करेगा जो एक अमराना तर्ज की हुकूमतें करती हैं। फवाद चौधरी साहब के लिए सिर्फ ये है कि तू गिदड़ भमकिया न दे, हमारे सीने खुले, गोली चला के दिखा, हमें फेस करके दिखाओ। अब जब आए हैं ये सारे दोस्त तो किसी ने कहा नहीं कि ये कफन पोच है, और हुकूमत को ऐसे अल्फाज करके इमरान खान को और ज्यादा ख्वार कर रहे हैं उनके वजीर। उन्होंने कहा कि इमरान खान भी मुशर्रफ की तरह इस्तीफा दे देंगे, सियासी जमातें धमकियों से डरने वाली नहीं हैं, अगर डरने वाले होते तो सड़कों पर ना निकलते। जनरल मुशर्रफ ने कहा था ये जो पोशाक है ये मेरी खाल है, ये मैं खाल कैसे उतारूंगा। फिर आपने देखा कि एक घंटे की गुस्से वाली तकरीर करने के बाद आखिर में कहा कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, ये हुआ था। अब क्योंकि मुशर्रफ की तकलीद करने वाला है तो इंशाल्लाह ये भी ऐसे ही करेगा। रही बात के धमकियों से अगर डरने वाली होती सियासी पार्टियां तो वो निकलती नहीं, और ये कोई अचानक भी ऐलान नहीं हुआ, ये बहुत दिनों से ऐलान है। तो अब मैदान सज चुका है, एक तरफ से हुकूमत है जो अकेली है, उसके साथ कोई नहीं है सवाय उसके वजीर, दूसरी तरफ से मुल्क है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर अगर ट्रेन के सानिहे का जिम्मेदार मुसाफिरों की गलती करार देंगे तो आवाम उनके साथ ऐसे ही सलूक करेंगे। शमीम साहब के लिए ये सुना कि उसको मस्जिद में से धक्के दे के बाहर निकाल दिया गया और वो पीपुल्स पार्टी की मस्जिद नहीं थी, सबकी मस्जिद। बात दरअसल ये है कि ये इसवे बहाने की बात है, वहाँ जाके तुम अगर ये कहोगे कि मुसाफरों की गलती की वजह से हुआ है तो जिसके घर का कोई फर्द गया होगा उसका रिएक्शन क्या बनेगा, वो तो उसकी बेसमझी है कि उसने ऐसे बात कही। जैसे शेख रशीद ने बात की, तेजगांव एक फास्ट स्पीड ट्रेन है, हर स्टेशन पे रुकती नहीं है, डाइनिंग कार है वहाँ, और जहाँ रुकती है वहाँ खाना भी मिलता है प्लेटफॉर्म पर। पहला तो सवाल ये कि गैस सिलेंडर उठाने दिए क्यों गए।